आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत की चर्चा करेंगे, जहां मधुसूदन कृष्ण अपने आंसू भरे भक्त अर्जुन से संवाद करते हैं। हे धृतराष्ट्र, कृष्ण जो हमारी अज्ञानता का नाश करने वाले हैं, उन्होंने अर्जुन से कहा, यह कृष्ण अज्ञान के नाशक के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमेशा अपने संकट ग्रस्त भक्तों की मदद करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष को परोक्ष के लिए त्याग दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर भक्त रोता है। लेकिन कृष्ण की मदद से वह अपनी प्रारंभिक संदेहों और हतोत्साह को पार करता है और सामर्थ्य प्राप्त करता है। मन को संयमित करने में, प्रेम पूर्वक प्रयत्न करने में और प्राणियों के साथ सहानुभूति में, मनुष्य का मन और बुद्धि पांच प्रकार के संसारिक इंद्रियों सुखों का आनंद लेते हैं। जब छठी इंद्री सहज बुद्धि आत्मा की सर्वज्ञ शक्ति ध्यान के अभ्यास के परिणाम स्वरूप अचानक जागृत होती है, तो भक्त के पूरे तांत्रिक तंत्र में आनंदित संवेदना होती है। इस प्रकार अर्जुन के मन की भ्रमित स्थिति में आत्मसमर्पण और समर्पित भक्ति की शांति छा जाती है। सत्य प्रकट करने वाली सहज बुद्धि विचार प्रत्यक्ष और अनुमान से परे अव्यक्त परमात्मा और आत्मा को और उनकी परमानंद स्वरूपता को प्रकट करती है। इसलिए हमें हमेशा सावधानी से प्रेम पूर्वक और समर्पण के साथ मन को संयमित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। आइए हम भगवद गीता के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को समझने का प्रयास करें और हमारे मन को नियंत्रित करने में मदद करने वाले उपकरणों का उपयोग करें।